तो आज हम अनबॉक्स करने वाले Asus Trophy 15। अरे भाई कुछ हुआ तो नहीं, बच गया ये। चलो अनबॉक्सिंग शुरू करते। तो ये लैपटॉप आता है Asus टफ की तरफ से। देखो टफ गेमिंग का लोगो भी, और ये A15 वर्जन है, और इसके अंदर है Ryzen 7 और 8GB और 512 SSD के साथ, और RTX 3050 भी है इसमें। तो चलो इस बॉक्स को खोल लेते हैं। तो ये आ गया अपने सामने बॉक्स, और हमने इसे खोल दिया, और खोलते ही हमको सीधा लैपटॉप दिख जाता है। तो इस लैपटॉप को हम रखते हैं साइड में। तो इसके साथ कुछ हमें पुस्तकें मिल जाती है जो हमें पढ़ने की तो जरूरत है नहीं। तो इस साइड में इसका चार्जर निकल के आता है, और वो भी 180 वॉट्स का है, और उसके दूसरे साइड में केबल दिख जाती है जो चार्जर की ही है। चलो इस बॉक्स को साइड में फेंकते हैं। तो ये आ गया अपना लैपटॉप, चलो इसे ओपन करते हैं। तो ओपन करते ही ऐसी स्क्रीन दिखती है, चलो इसे ऑन करते हैं। तो हमने इसे ऑन कर दिया, और इसकी लाइट भी ऑन होने लगे, और ये आ गया Asus का। तो ये लाइट बंद करने के बाद कुछ ऐसा आता है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगा। आपको कैसा लगा कमेंट में बताओ। तो ये ऑन हो गया अपना डिस्प्ले, और वॉलपेपर ही टफ गेमिंग का है। जो डिस्प्ले तो मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगा, और इसकी की भी बहुत स्मूथ है। तो इसके RGB लाइट्स आप मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हो। तो इसकी स्क्रीन 144 हर्ट्ज की है। तो इसकी साउंड क्वालिटी चेक करते हैं। तो साउंड क्वालिटी पर्सनली मुझे तो बहुत बढ़िया लगी। तो अभी कुछ सिनेमैटिक शॉट लेते हैं। जो मैंने आपको पहले बताया है वही है। देखो Ryzen 7 RTX Wi-Fi 6 का सपोर्ट है, और इसमें दो फैन है, और ये HDMI भी है। तो ये लैपटॉप के बैक की बात कर लेते हैं, तो ये आता है हनीकॉम डिजाइन में, और डुअल फैन आता है जो आपके लैपटॉप को एकदम कूल रखेगा। तो इसके पीछे की तरह भी एयर पासिंग दिया हुआ है। तो ये लैपटॉप जाना जाता है गेमिंग के लिए। तो चलो गेमिंग टेस्ट करते हैं। तो क्या ये अपनी गेमिंग एक्सपीरियंस को अच्छा कर पाएगा, चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पर अपनी हो गई है ट्रेनिंग शुरू। तो ये गेम के ग्राफिक्स तो बहुत बढ़िया है, और खेलने में भी बहुत अलग ही एक्सपीरियंस आ रहा है। तो जल्द इस चैनल पर इसी लैपटॉप से लाइव स्ट्रीमिंग भी होने वाली, और कौन सा गेम खेलूं आप कमेंट में बताओ। तो मैं इस गेम को कंटिन्यू 2 आवर से खेल रहा हूं, और मुझे कोई हीट इशू और लैग इशू तो अभी तक नहीं आया, और एक्सपीरियंस तो बहुत ही अमेजिंग हुआ। अगर आपका बजट 75 और 80K के अंडर है, तो आपको डेफिनेटली ये लैपटॉप बढ़िया है। तो इस लैपटॉप के साथ आती है टफ गेमिंग लोगो वाली बैग, जिसकी बिल्ड क्वालिटी तो बहुत बढ़िया, और ये दिखने में भी बहुत मस्त है। इन्फॉर्मेटिव अनबॉक्सिंग वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताओ, और कौन सा नया PC गेम खेलूं वो भी कमेंट में बताओ।